हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे सर के ऊपर आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है? अगर आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको आसमान ब्लैक दिखाई देगा। तो यही सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल रहता है। इसमें कई तरह की गैसें रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस 78% रहता है और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% के आसपास रहता है। और इसमें धूल, राख, समुद्री पानी से उठा भाप भी रहता है। आपको तो पता ही है सूर्य की किरण एक वेव है और उस के बीच में जो भी आता है उससे टकरा करके उससे अलग डायरेक्शन में चले जाती है। ज्यादा लंबी वेव होती है उसमें रुकावट कम आती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती है, मगर जो छोटी तरंगे होती है उसे भाप या फिर धूल की कण रोक लेती है। ये वेव टकरा करके चारों ओर फैल जाती है, जो की लाइट के स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलती है। यही जब फैलता है तो आपको नीला आसमान दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई वीडियो। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।